दोस्तों, हमारी ये प्रकृति जिसके बीच हम जीते हैं ढेर सारे अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है। अगर हम इसके बारे में सोचे तो इसे बनाने वाले की अद्भुत कारीगरी को देख हम चौंकने के सिवाय कुछ नहीं कह सकते। इस विचित्र संसार में अनेक आश्चर्यजनक अजूबे भरे पड़े हैं जिस पे यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। उन्हीं में से एक अजूबा है मांसाहारी पौधों का अद्भुत संसार, यानी मांस खाने वाले पौधों का अद्भुत संसार। दोस्तों, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का अत्यधिक योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेड़ पौधे ताजी हवा, फल फूल देकर हमेशा हमारी मदद करते हैं। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि पौधे भी मांसाहारी होते हैं? ये सवाल अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि अधिकांश पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कुछ पौधे मांसाहारी होते हैं और कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आमतौर पर मांसाहारी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसकी प्रकृति अम्लीय अथवा दलदली होती है। इस तरह की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है और इसी कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीड़ों को पकड़कर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो चलिए एक एक कर आपको बताते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में जो मांस खाते हैं। नंबर 1 पर जो पौधा है उसका नाम है घटपर्णी, जिसे इंग्लिश में पीचर कहते हैं। यह पौधा मुख्यतः असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती घट या कलश के रूप में विकसित हो जाती है, जिसके मुंह पर पत्ती का ही एक ढक्कन होता है। इस कलश से एक प्रकार का मकरंद यानी मीठा तरल पदार्थ निकलता है, जिससे कीड़े इसके ओर आकर्षित होते हैं। इसे खाने की लालच में ये कीड़े घट के अंदर उतरते हैं और कलश की तली में पाचक द्रव होता है, जिसमें कीड़े फिसल कर उस द्रव में डूब कर मर जाते हैं। उसके बाद इनका विघटन होता है और पोषक पदार्थ निकलकर उस द्रव में आ जाते हैं। इसके बाद पत्तियां इन्हें सोख लेती है। नंबर 2 पर आने वाले पौधे का नाम है संडियो। इस पौधे का वानस्पतिक नाम ड्रोसेरा है। यह हमारे देश के अनेक भागों में पाया जाता है। इसके पत्तों पर अनेक रेशे निकले रहते हैं जो एक चिपचिपा रस पैदा करते हैं, जो सूरज की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। इन चमकती हुई बूंदों की ओर कीड़े आकर्षित होते हैं और छूते ही चिपक जाते हैं। इसके पश्चात कीड़ों के छटपटाने से लंबे रेशे सक्रिय होते हैं और वे चारों तरफ से कीड़ों को जकड़कर बंदी बना लेते हैं। इन रेशों में एक प्रकार का पाचक द्रव भी निकलता है, जो कीड़ों के पोषक तत्वों को शोषित कर लेता है और पाचन पूरी होने पर पुनः सीधे हो जाते हैं और अगले शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। नंबर 3 पर आने वाले पौधे का नाम है ब्लैडरवॉर्ट। इस पौधे का वनस्पतिक नाम यूटिकोलेरिया है। यह मांसाहारी पौधा भारत के अधिकांश जलाशयों में मिलता है, यानी यह पौधा आपको तालाबों में देखने को मिलेगा। पूरा पौधा पानी के नीचे रहता है और इसी पत्तियां बहुत अधिक खंडित होती यानी कटी फटी होती हैं। इनकी नोक पर थैली जैसी संरचना होती है। इसमें वे छोटे छोटे प्राणी जो कीड़े पकड़ लिए जाते हैं, जो जलधारा के साथ आते हैं। थैली का खुलना तथा बंद होना एक वॉल्व के द्वारा संचालित होता है। शिकार के पास जाने के बाद ये वॉल्व अपने आप खुल जाता है और अगले शिकार को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 4 पर आने वाले पौधे का नाम है विनस फ्लाई ट्रैप। इस पौधे का वनस्पतिक नाम ड्रायोनिया मसीपूला है। यह पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं और दोनों के बीच में एक उभार होता है। वह दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं। इनमें से किसी को कोई छू ले तो पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीड़ों को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। इन कीड़ों को पूरा पहचाने के बाद पत्तों के दोनों भाग वापस खुल जाते हैं और दूसरे शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। नंबर 5 पर जो पौधा है उसका नाम है सारासिनिया। नेपनथीस की सारासिनिया भी घटपर्णी पादप है। ये खासकर अमेरिका एवं कनाडा के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सारासिनिया के घट कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार कीड़ा इसके अंदर अगर चला गया तो वह घट के अंदर द्रव में फंस जाता है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। पाचक द्रव उस कीड़े के पोषक पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं।